अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा हम चैप्टर नंबर टेन डिस्कस कर रहे हैं हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था आरहीनियस कॉन्सेप्ट फिर हमने लेक्चर नंबर सेकंड में डिस्कस किया था लोरी ब्राउनस्टर्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट और आज हम डिस्कस करेंगे लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस चलें बोर्ड पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस 1923 में जीएन लिवाइस ने यह कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है यानी वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके उस चीज को हम बोलते हैं एसिड और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके अकॉर्डिंग टू लिवाइस एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके और बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे बोरोन ट्राइफलोराइड अगर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, तो हम ये देखेंगे कि बोरोन के, के सराउंड में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यानी बोर के सराउंड में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं। इट्स मीन बोरोन का वेलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्टेंट अमोनिया की नाइट्रोजन के सराउंड में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनमें से तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो हम यूं कहेंगे बरोन का वेलेंस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जबकि नाइट्रोजन का वेलेंस ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को प्रोवाइड कर सकता है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को प्रोवाइड करता है और बोरोन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू लिवाइस हम ये बात कह सकते हैं नाइट्रोजन एटम इज डोनर एंड बरोन एटम इज एक्सेप्टर तो अमोनिया लिवाइस बेस कहलाएगा जबकि बरोन ट्राइफ्लोराइड लिवाइस एसिड कहलाएगा इट्स मीन नाइट्रोजन और बरोन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टेब्लिश होगा जिसमें नाइट्रोजन डोनर है और बरोन एक्सेप्टर है यहां यू स्टूडेंट्स कि अमोनिया बेस है और बरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड है अकॉर्डिंग टू तो दिस कॉन्सेप्ट जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो अडक्ट फॉर्मेशन होती है यानी एडिशन प्रोडक्ट अमोनिया प्लस बरोन ट्राइफ्लोराइड, दोनों कंबाइन होकर अडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और ये अडक्ट फॉर्मेशन होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें डोनर है नाइट्रोजन और एक्सेप्टर है बरोन तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करके इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आइन केट आइन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड स्पीशी है यानी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को लोन पेयर डोनेट करता है नाइट्रोजन तो ये कहलाएगा लिवाइस बेस इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आइन तो ये कहलाएगा लिवाइस एसेट और जब भी डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्योर कोवलेंट की होती हैं सेम बॉन्ड लेंथ सेम बॉन्ड एनर्जी सेम बॉन्ड पोलैरिटी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से और एरो का जो टेल है वो टू डोनर होता है और एरो का जो हेड है वो टू एक्सेप्टर है तो हम ये कहेंगे कि जब भी लिवाइस बेस और लिवाइस एसिड आपस में केमिकली रिएक्ट होती हैं तो उनके दरमियान फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की और लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस जब भी कंबाइन होंगे तो अडक्ट फॉर्मेशन होगी यानी एडिशन प्रोडक्ट डेयर स्टूडेंट्स अभी तक आपके माइंड में डेफिनेटली एक सिंपल सा आइडिया बन गया होगा अबाउट लिवाइस एसिड एंड लिवाइस बेस कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके उस सब्सटेंस को हम कहते हैं लिवाइस बेस और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर पाए एक्सेप्ट कर पाए उसे हम बोलते हैं लिवाइस एसिड अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स लिवाइस एसिड्स की और लिवाइस बेसिस की पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिवाइस एसिड्स ये दो तरह के होते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन टू से वो सब्सटेंस वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो लिवाइस एसिड है जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले बोर्ड में ब्रोन ट्राइफलोराइड की जिसमें बरोन का वेलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था इन द सेम वे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आयरन ट्राइक्लोराइड ये तीनों स्पीशीज लिवाइस एसिड्स हैं क्योंकि तीनों में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात क्या है कि सेंट्रल एटम के ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं है और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं लिवाइस एसिड्स चले बरोन ट्राई को तो हमने पहले बोर्ड में डिस्कस किया अब जरा बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की ओके okay स्टूडेंट्स हमने एलोमिनियम ट्राई क्लोराइड का स्ट्रक्चर ओपन किया है इसमें आप देख सकते हो कि एलोमिनियम के सराउंड में टोटल तीन बॉन्ड्स हैं तीन बॉन्ड्स का मीन है कि टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं और कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे एट एल्यूमिनियम के पास कितने हैं सिक्स इट्स मीन एल्यूमिनियम का वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और ये एक्ट करेगा एज ए लिवाइस स्ट्रक्चर आयरन ट्राइक्लोराइड का बी होता है जिसमें आयरन का वेलेंस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हम यह कहेंगे कि आयरन ट्राईक्लोराइड बी लिवाइस एसिड है अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ लिवाइस एसिड की तो ये केटाइंस होते हैं केटाइंस मीन पॉजिटिव आइंस जैसे सोडियम आयन है जैसे कैल्शियम आयन है जैसे हाइड्रोजन आयन है जैसे सिल्वर आयन है सोडियम और कैल्शियम प्रेजेंट है ग्रुप फर्स्ट ए में ग्रुप सेकेंड ए में इन द टेबल। और इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आइन की और सिल्वर आइन की तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और इसलिए ये दोनों आइन्स बिहेव करते हैं लिवाइस एसिड तो बात को हम समराइज कर सकते हैं डेयर स्टूडेंट्स इस वे से कि वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है या केटाइन है वो बिहेव करते हैं एज ए लिवाइस एसिड और सेम वे से अब हमने बात करनी है लिवाइस बेसिस की कि इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे वाइस बेसिस भी दो तरह की होती हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड एनाइंस एनाइंस मीन नेगेटिव आइंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया जैसे एमाइंस हैं या जैसे अल्कोहल्स हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसे लोन पेयर भी कहते हैं और यह लोन पेयर अमोनिया डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इन द सेम वे हम बात करें एमाइंस की तो एमाइंस में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसका लोन पेयर भी अवेलेबल है फॉर एन एसेड इन द सेम वे मैं बात करूं अल्कोहल की अल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है लिवाइस एसिड को तो अल्कोहल बी क्या हो गई लिवाइस बेस इट्स मीन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे लिवाइस बेसिस जिनमें एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो कम से कम एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जो अपना लोन पेर डोनेट कर सके किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को मोनिया एमाइंस अल्कोहल्स कार्बोजैलिक एसेड्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री लिटरेचर में सेकेंड टाइप ऑफ लिवाइस बेसिस एनाइंस हम जानते हैं इनाइंस नेगेटिव आइन जैसे सायनाइड आइन है जैसे क्लोराइड आइन है जैसे बरोमाइड आइन है जैसे नाइट्राइड आइन है साइनाइड आइन हो क्लोराइड आइन हो ऑक्साइड आइन हो ब्रोमाइड आइन हो नाइट्राइड आइन हो सल्फाइड आइन हो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इसलिए एनाइंस भी कहलाते हैं लिवाइस बिसेस डर स्टूडेंट्स आज हमने इन डिटेल डिस्कस किया है लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसेड एंड बेस बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है हम इसको लास्ट में सिंपली समराइज कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके किसी दूसरी सब्सटेंस को वो सब्सटेंस कहलाती है लिवाइस बेस और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके अपने वैलेंस ऑर्बिटल्स में तो वो सब्सटेंस कहलाएगी लिवाइस एसिड और जब भी लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस कंबाइन होते हैं तो ऑलवेज अडक्ट फॉर्मेशन होती है यानी एडिशन प्रोडक्ट बनता है डेर स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को एक दफा डेफिनेटली बुक से रीड आउट करना है और इसकी एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़